स्वागत है आपका अलाइव 24 में। किसान मजदूरों द्वारा गठित किसान मजदूर संघर्ष पार्टी का प्रथम कार्यकर्ता सम्मेलन आज लखनऊ के गांधी सभागार में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 21 नवंबर 2016 को किसान मजदूर संघर्ष पार्टी का गठन हनुमान प्रसाद मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया था और आज प्रथम सम्मेलन के अवसर पर हनुमान प्रसाद ने कहा हर जिलों से कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद और सम्मेलन का उद्देश्य ही है हर जिलों में वहां के किसानों की समस्याओं को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता आवाज उठाते रहेंगे और कुछ न कुछ विकल्प के रूप में समाधान भी मुहैया कराएंगे। उत्तर प्रदेश से हमारे कार्यकर्ता हर जिले से यहां पहुंचे हैं कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए और सारे कार्यकर्ताओं को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि इसी तरीके की क्षेत्र में जाके किसानों और मजदूरों से जो समस्याएं हैं उनको जिले पे वहाँ के जो है जिला अधिकारी से अपनी बात रखें और किसानों और मजदूरों की समस्याओं का निस्तारण करें। सारी चीज़ों का एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जिस दिन सत्ता में आ गई मैं वादा करता हूँ 90 दिन के अंदर सारे समस्याओं का तुरंत निदान कर दूँगा। अगर उसमें मैं थोड़ा निष्फल रहा तो हमारी पार्टी गवर्नर के पास जाके तुरंत अपनी जो है उसकी इस्तीफा देगी। अगर किसानों और मजदूरों से हमारी पार्टी की तरफ कोई भी समस्या आती तो हमारी पार्टी उसके लिए जन आंदोलन करेगी। 6 तारीख को दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और हमने जो घोषणा पत्र था वो मैंने जारी कर दिया है और अब आगे मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अपने घोषणा पत्र को अगर उसके अनुरूप हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो पूरा वर्क करेंगे। इसी के साथ 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशी उतार रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में पार्टी का प्रतीक चिन्ह बाल्टी व मध्य प्रदेश में हल जोतना किसान है, इसी कड़ी में आगे कहा। बस हमारी पार्टी जो प्रण लेके खड़ी हुई है उसको पूरा करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और किसान और मजदूर जो आज जहाँ थे वहीं पे खड़े हैं उनका कभी कुछ नहीं किसी भी पार्टी ने नहीं किया है और इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि बस हमको किसान और मजदूरों के लिए करना है और प्रण ले के करना है कि हाँ हम कभी हटेंगे नहीं। ये थी लखनऊ से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।